मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 59 का मामला सामने आया है, जहां लोग बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहां बिजली 3 या 4 घंटे ही आती है। क्या हम ऐसे ही भाजपा के पार्षदों को देखना चाहते थे, जिनके होते हुए भी आम जनमानस को इतनी परेशानी हो रही है। मथुरा वृंदावन वार्ड नंबर 59 का मामला सामने आया है, जहां लोग बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली की समस्या लगभग 3 साल से बनी हुई है और दिन में मुश्किल से 3 या 4 घंटे बिजली आती है, और जब एक्सचेंज को कॉल किया जाता है तो वह पहले तो फोन नहीं उठाते, और अगर फोन भी उठाते हैं तो कहते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे क्षेत्र में ऐसी समस्या तो है ही नहीं। अब आप ही बताएं, ऐसी भीषण गर्मी में आदमी को अगर बिजली नहीं मिलेगी तो किस प्रकार से वह जिएगा? क्या यही भाजपा सरकार है? क्या यही सरकार के वादे हैं? एक तरफ तो मथुरा को हाईटेक सिटी बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं की जा रही। क्या हम ऐसी सरकार चाहते थे? गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, रात भर ट्रेन वर्क करके आया हूँ, और अब घर पर आया हूँ तो लाइट नहीं है, ना पानी है। पानी के लिए बाहर निकला हूँ, मैं पानी भी कहीं क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। पानी के लिए परेशान है, लाइट के लिए परेशान है। अब बताए, इस समस्या का समाधान कोई भी नहीं निकल पा रहा है कई विगत वर्षों से, तो इसका निदान प्लीज़, मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहता हूँ, पदाधिकारियों चाहता हूँ कि इसका निदान किया जाए। समस्या भैया पानी की और बिजली की समस्या ये है कि रात रात भर जो बिजली ना आवे, एसटी उड़ जावे। एसटी उड़ाईवे के लिए परसों जो है 2:15 बजे पे सभी कराई करके आई हैं, सभी ने फिर चली गई। कल रात को 1:30 बजे पे चालू करवाई करके आई हैं, सभी ने 5 बजे पे फिर बिजली चली गई। 2-3 घंटा दिन में मिल रही है, बार बार जा रही है भैया, जो है बहुत भारी समस्या है। बिजली नहीं है तो पानी नहीं है तो अब नहाए बो धोए बो सब ये देख रहे हो भैया, सब बिना नहाए धोए सब जो खड़े हुए हैं।